हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। सभी का स्वागत है, आ जाइए। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर तीन हमारा जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर वन पढ़ा जो था ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित। ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने चैप्टर नंबर टू पढ़ा। चैप्टर नंबर टू जो था वो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन था। हमने इसको बहुत अच्छे से विद डाटा एंड फैक्ट के साथ पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर तीन। वैसे तो चैप्टर नंबर तीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसलिए अब चैप्टर नंबर तीन ये ना रहकर चैप्टर नंबर तीन हो गया है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और चैप्टर तीन जो कि आपके ह्यूमैनिटीज का पार्ट है, ये डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कहा जाता है। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट में नाम से ही लग रहा, मनुष्य को डेवलप के रूप में देखना और उसे मेजर करना एक बड़ा टास्क था। लेकिन किस तरह से ह्यूमन की डेवलपमेंट को नापा जाता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ होती क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन ह्यूमन ग्रोथ के डेफिनेशन से किस तरह से डिफरेंस है, और इस चैप्टर का हल्का इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट का एक लुक। जैसा कि आप जब एनसीईआरटी ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ओपन करते ही जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन ग्रोथ में क्या अंतर है। तो आइए चलिए पहले हम इसको एक बार ही पढ़ते हैं, पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की अलग अलग बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ रिफर्स टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि एक समय बाद, एक कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद किसी भी चीज में जो चेंजेस होता है उसी को हम ग्रोथ या डेवलपमेंट कहते हैं। अब चेंजेस पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। तो उसी सब चीज के डिफरेंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, द डिफरेंसेस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। इट मे हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव साइंस बोथ। अगर हम बात करें ग्रोथ की तो ह्यूमन का ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, और ये वैल्यू करता है न्यूट्रल के बराबर। कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है इसकी, ये न्यूट्रल वैल्यू के बराबर। और ये ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और ग्रोथ निगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव पर ना होकर क्वालिटेटिव, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है कि केवल पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, ना कि निगेटिव। याद रखिएगा, पॉजिटिव ग्रोथ डस नॉट ऑलवेज लीड्स टू डेवलपमेंट। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ होती है तो क्या पॉजिटिव ग्रोथ और पॉजिटिव डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज है? तो बोलेंगे नहीं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ग्रोथ पॉजिटिव डेवलपमेंट को ही दिखाए। कभी कभी पॉजिटिव ग्रोथ प्रोग्रेसिव होती है इन कंपेरिजन टू अदर्स होती है। देखने में लगता है कि ग्रोथ हुआ पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव डेवलपमेंट को नहीं दिखाती। तो अगर मैं सरल भाषा में आपको अपने तरीके से समझाऊं, लेमैन स्टाइल में, तो क्या कहती है ये जो डेफिनेशन है, तो कहती ये है, सभी समझना, कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, वैल्यू में न्यूट्रल होती है, ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट ही हो। अब आएंगे हम लोग दूसरे पार्ट पर, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव के साथ साथ पॉजिटिव सेंस को ही दिखाती है, कभी भी निगेटिव सेंस को डेवलपमेंट नहीं दिखाती। तो अगर हम पूछें कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे नापा जाएगा, तो बताएंगे सर ग्रोथ नापना है तो क्वांटिटेटिव से तो नापा जा सकता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट नापना है तो वो क्वालिटेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर हम मानेंगे कि ह्यूमन डेवलप किया। मेरी बात समझ गए? एक राज्य है, इसमें जनसंख्या थी 10,000, 5 साल में ये बढ़कर 20,000 हो गई।
तो ये डेफिनेटली ग्रोथ हुआ। लेकिन एक राज्य था, उसमें जनसंख्या थी 10,000, डेवलप होकर हो गई 20-50 हजार या 20,000, ग्रोथ तो हुआ लेकिन उसकी सड़कें वैसी ही जर्जर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसकी खुशियां नहीं, गंदगी है, ठीक है, और एजुकेशन नहीं है, कोई अच्छी सरकार नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स है, सोशल इनइक्वालिटीज। तो क्या वो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन क्या वो डेवलप भी कर रहा? तो बिल्कुल नहीं, वो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल देकर शहर का, एक राज्य का मैंने समझाया, ठीक है, कि उसमें क्वांटिटी बढ़ रही होगी लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं बढ़ रही, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, भले ही ग्रोथ हो सकता। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो ये था हमारी आज की क्लास का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस और हल्का इंट्रोडक्शन कि ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर है क्या। तो मैं बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले, वैसे तो ह्यूमन डेवलपमेंट नापा ही नहीं जा सकता, उसकी ग्रोथ नापी जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट का नापने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। लेकिन हमारे एक पाकिस्तानी बहुत बड़े जो है विद्वान, उनका नाम था महबूब उल हक ने सबसे पहले 1991 में उन्होंने बताया कि ह्यूमन को भी डेवलपमेंट को नापने का भी एक एक तरीका, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उन्होंने ढूंढ निकाला। उसी स्टैंडर्ड को यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने फाइनली अप्रूव कर दिया, और पूरे विश्व में जितने देश हैं उन सारे देश के डेवलपमेंट को नापने की एक रैंक निकाली, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। सबसे पहले किसने शुरू किया? तो बताएंगे, दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। ही वाज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट ऑफ द इनराज पीपुल्स चॉइस। इन्होंने कहा कि पीपुल्स की जो चॉइसेस होती हैं उसको अगर हम इनलार्ज कर दें तो इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स, उससे उनकी क्या हो जाती है, लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता है, एंड क्रिएट्स कंडीशंस वेयर वेयर पीपुल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। केवल जनसंख्या बढ़ाना ही नहीं, पीपुल्स की चॉइस भी बड़ी हो, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स भी क्या हो, इम्प्रूव हो, और तो और साथ ही साथ एक मीनिंगफुल लाइफ हो, तब जाकर हम कहेंगे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। ये महबूबुल हक ने बताया। कितने पॉइंट्स बताए, फिर से बता दूं, इन्होंने बताया दैट थिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपुल्स चॉइस दैट इम्प्रूव्स, दैट विल बी डेवलपमेंट दैट इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स, जो उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करे, जो इनके चॉइस को इनलार्ज करे और साथ ही साथ उनको एक मीनिंगफुल लाइफ दे, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये बात बताई महबूबुल हक ने, और यूएनडीपी ने वो बात मान ली। यूएनडीपी, सॉरी, यूएनडीपी ने ये बात मान ली, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेरी बात समझे? और सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट और आइडिया किसने दिया था? तो बताएंगे कि द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट केम फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट लाइक द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, क्वांटिटी नहीं, लाइफ की अच्छी क्वालिटी, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, ठीक है, एंजॉय कर रहा हो, खुश हो, तब जाकर हम मानेंगे कि वो बंदा डेवलप कर। पीपुल एंजॉय इन कंट्री, अच्छा लग रहा हो उनको, क्वालिटी हो उनकी लाइफ में, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, फ्रीडम हो, एंजॉय करें, तब मजा आएगा। द बेसिक एम ऑफ डेवलपमेंट इज क्रिएटिंग कंडीशंस वेयर पीपुल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। केवल जी रहे हैं, किसी के गुलाम हैं, पिंजरे में बंद हैं, मजा नहीं आ रहा, आत्महत्या कर रहे हैं, कलह में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या जिंदगी, ये कोई डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव, मीनिंगफुल, स्टैंडर्ड, अच्छी जिंदगी, एंजॉय, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ हो, तभी जाकर उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट है, ऐसा महबूबुल हक ने बताया। मेरी बात समझे? देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेस, और इस वजह से उन्होंने तीन बिल दिए कि ये देखो, ये सब चीजें नापने के लिए तीन पैरामीटर होने चाहिए। पहला कि वो एक्सेस टू रिसोर्सेस, जितनी भी रिसोर्सेस है दुनिया में उनको एक्सेस कर सके। अब एक्सेस टू रिसोर्सेस का मतलब होता है परचेजिंग पावर, परचेज करने के लिए चाहिए पैसा, तो इन्होंने डायरेक्टली कहा कि पैसा, और पैसे से ही हम रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा पैसा के साथ साथ हेल्थ, अगर केवल पैसा है, हेल्थ नहीं है तो जिएंगे कितना, इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, बीमार रहेंगे, आगे उठ के खड़े नहीं पाएंगे, इम्यूनिटी वीक रहेगी, कुछ खा नहीं पाएंगे, बीमारी हो जाएगी, तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है पैसे के साथ साथ। और केवल पैसा और हेल्थ से काम नहीं होगा, हम
पैसा या हेल्थ लेकर पढ़े लिखे नहीं है तो हमें कोई जाल में उलझा कर हमारी चीजें छीन सकता है, हमारे ऊपर कागजी कार्रवाई करके हमारी सारी संपत्ति हड़प सकता है, हड़प सकता है। केवल यही नहीं, हमें पढ़े लिखे भी होना है, हमें चालाक तेज दर्रार भी होना है ताकि ताकि दुनिया के हिसाब से चल सकें। तो उन्होंने तीसरा एलिमेंट क्या बताया? तो बताया उन्होंने एक्सेस टू लाइफ, सॉरी एक्सेस टू रिसोर्सेज, परचेजिंग पावर, पैसा, हेल्थ मतलब क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो, जिंदा जिए, ज्यादा जिए, स्वस्थ जिए, और एजुकेशन, पढ़े लिखे हो, ठीक है, और ये हमारे देश के हमारी कुछ बातें भी काम आ सके, हमारी जिंदगी मीनिंगफुल हो, केवल हम खाए पिए सो मत सोए मत। तो इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज कहा जाता, मेरी बात समझे? इन्हीं के साथ साथ महबूबुल हक के साथ एक बंदे और आए जो इंडिया के अर्थशास्त्री थे, अमर्त्य सेन। इन्होंने भी बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने महबूबुल हक के दिए गए पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने पब्लिश किया सबसे पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये हर साल पब्लिश करना शुरू किया, जिसमें कुछ देश एकदम टॉप पर होते हैं, कुछ देश एकदम खराब कम डेवलप्ड होते हैं। जो सबसे टॉप पर होते हैं उनको 1 नंबर मिलता है और जो सबसे कम होते हैं उनको 0 नंबर मिलता है, और 1 से 0 के बीच में ही 292 93 193 देश जितने हैं वो सब आते हैं। मेरी बात समझ गए? अगर हम बात करें अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फ्रीडम। इन्होंने कहा था एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन्होंने कहा कि अगर डेवलपमेंट नापनी है तो क्या होना चाहिए था? आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, आप अपने डिसीजन खुद लें, किसी पर डिपेंड ना, और डिक्रीजिंग अनफ्रीडम, वही चीज हुई। बिकॉज इंक्रीजिंग फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको एक पिंजरे में जेल में बंद करके दिया गया, क्या किसी भी तरह की डेवलपमेंट के लिए आप हाँ बोल दें? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो है वह है आपकी फ्रीडम। अगर फ्रीडम है तब डेवलपमेंट है, अगर अदरवाइज वो डेवलपमेंट यूजलेस है। तो अमर सेन ने एक की वर्ड को पकड़ा और बताया कि फ्रीडम दे दो, बंदा कुछ मत कमाए लेकिन फिर भी खुश रहेगा क्योंकि उसको फ्रीडम, जहां मन जहां जा सकता है, जो जॉब कर सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। तो फ्रीडम इज द इंपॉर्टेंट की अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, लेकिन अकॉर्डिंग टू महबूबुल हक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? एक्सेस टू रिसोर्सेज दैट इज नोन एज परचेजिंग पावर, हेल्थ दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड एजुकेशन दैट गिव्स यू पावर, ठीक है, टू लिव इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर का ह्यूमन डेवलपमेंट का एक हल्का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें हमने अमर्त्य सेन के थॉट्स, महबूबुल हक के थॉट्स, यूएनडीपी की रिपोर्ट्स, उनको नापने का तरीका, ठीक है, ये पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस हो। मेरी बात समझ गए? आगे 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या महबूबुल हक ने या अमर्त्य सेन ने या जिस यूएनडीपी ने जो भी अपनाया, क्या कोई उसका पैरामीटर भी होता है जिसपे हम 0 से लेके 1 तक बाकी देशों को मार्क कर सके? तो उन्होंने बताया हाँ, किसी भी डेवलपमेंट को जैसे टेबल के 4 पावे होते हैं, उसी तरह से किसी भी डेवलपमेंट के 4 पिलर्स होते हैं, उसी पर वो डेवलपमेंट टिकी हुई है। एक भी पिलर टूटा टेबल डगमगाने लगेगी, 2 गया तो टेबल गिर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए 4ों पिलर्स के दम पर उसी को स्टैंडर्ड मानकर ही हमने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट को नापा विश्व स्तर पर। कौन नापता है, कैसे करता है, इंट्रोडक्शन में बात समझ आ गई। आइए इसका एक लुक भी देख लेते हैं आज इंट्रोडक्शन में, हम आगे क्या पढ़ेंगे, 4 पिलर्स के नाम और उसकी एक्सप्लेनेशन इनके एग्जाम्पल्स के साथ, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या अप्रोचेस हैं, 3 अप्रोचेस होते हैं, इनकम के दम पर 4 होते हैं वैसे, वेलफेयर के दम पर, बेसिक या मिनिमम नीड्स के दम पर, और कैपेबिलिटीज के दम पर, 4 अप्रोचेस के दम पर निकाला जाता है। अगर हम पूछें कि भैया ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का कोई इंडेक्स है, तो बताएंगे हाँ, उसी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इसमें 0 से लेके 1 के बीच में क्या किया जाता है, नंबर दिया जाता है, और उसके भी कोई बेसिस हैं तो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, जो कि अमर सेन ने अभी बताया। हेल्थ में क्या बताया मैंने अभी याद करो, तो बताएंगे सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। एजुकेशन में क्या बताया, तो मैंने बताया एडल्ट लिटरेसी रेट, कि सभी पढ़े लिखे हों और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने में इन्वॉल्व हो,
एक्सेस टू उस रिसोर्सेज को ही परचेजिंग पावर मैंने बोला था, और किसमें? यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर में, ठीक है, याद रखना। फिर वेटेज किसको कितना मिलता है, कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है वो पढ़ेंगे। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में कौन सा देश आता है, किसने पैसे के दम पर ना जाकर हैप्पीनेस के दम पर अपने आप को डेवलप माना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम लोग डेवलपमेंट के बेसिक क्लासिफिकेशन के कंट्रीज के पढ़ेंगे, और ये चैप्टर मिथ्स एंड फैक्ट्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हल्का टूर कराया मैंने आज जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो कि तीसरा चैप्टर था हमारा। इसी की फैक्ट्स एंड डिटेल्स को एनसीईआरटी से भी देखने की आइए चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी तैयार हो? आज की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आज की क्लास में क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लिया। आइए एनसीईआरटी क्या कहती है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में एक झलक ये भी देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा तीसरा चैप्टर है, एक्चुअली ये तीसरा ही है क्योंकि एक चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसमें भी वही बात बोल रहा है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंस दिखाया है। क्या दिखाया है मैं बताऊं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीजें हैं, तो बिल्कुल हाँ, कैसे अलग हैं आइए चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों क्या है, चेंजेस को दिखाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें कि ग्रोथ क्या है तो ये क्वांटिटेटिव है, वैल्यू इसकी न्यूट्रल होती है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में नापा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होती है। इज दैट क्लियर? तो बोला कि डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर उस किसी चीज की कंडीशन अच्छी नहीं होती तो वो चीज अच्छी नहीं मानी जाएगी, वो डेवलप नहीं मानी जाएगी। कंडीशन अच्छी होना बहुत जरूरी। इज दैट क्लियर? तो याद रखेंगे डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव चेंज दिखाती है, लेकिन ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें दिखाती है। इज दैट क्लियर? और मैंने वो सिटी का एग्जाम्पल भी दिया कि एक सिटी की पॉपुलेशन तो बढ़ रही लेकिन उसकी फैसिलिटीज और डेवलपमेंट नहीं हो रहे, हेल्थ नहीं अच्छी है, तो वो बेकार मानी जाएगी, वो डेवलप नहीं मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट इट? ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। फिर हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में बताया है। डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में क्या बताया है एक झलक ये भी देख लेते हैं। तो बताएंगे सर महबूबुल हक जो हैं और अमर सेन बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, काम करते थे साथ में, लीडरशिप की है महबूबुल हक ने, मेन क्रेडिट जाता है उनको, पाकिस्तान के थे। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी और दोनों ही साउथ एशिया के अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक अमेर इंडिया का एक पाकिस्तान। अ मैन द विजन ऑफ कंपेरिजन, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, कौन से सन में, 90 में, और उसी समय में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया विश्व स्तर पर पैरामीटर में, चीजों को डेवलपमेंट को नापने के लिए। हक की एक स्टेटमेंट थी कि भैया आखिर क्या है हमारी ये डेवलपमेंट, तो उन्होंने कहा कि इनलार्जमेंट ऑफ द पीपुल्स चॉइस, ठीक है, इम्प्रूविंग इन देयर लाइफ्स, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला जो कि कहा जाता है लास्ट स्टर्स में जो है मैंने बताया था, क्या था वो चीज बताओ, अभी पीछे बताया है मैंने। तो क्या था वो बताएंगे, इनलार्जिंग कहाँ गया वो जो चीज अभी मैं समझा रहा था। हाँ ये देखो, इनलार्जिंग पीपुल्स चॉइस, इंप्रूविंग देयर लाइफ्स एंड मीनिंगफुल लाइफ, इन्हीं तीन बातों का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। ठीक है, मेरी बात समझे? और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, याद रखना, इनका एक डेफिनेशन बहुत फेमस है कि
यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई, जो चीजें तुम देखते हो वो सामने हैं और तुम पूछते हो कि ये वस्तुएं ऐसे क्यों हैं या ये नियम ऐसा क्यों है? लेकिन मैं जो हूं, आई ड्रीम्ड ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर, ऐसी चीजें देखता हूं कि जो चीजें कभी नहीं थी, और मैं ये पूछता हूं कि क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी, ये होना चाहिए था। तो हमारे देखने तुम्हारे देखने में अप्रोच का ही फर्क है और कुछ नहीं। तो काफी अच्छा एक स्टेटमेंट था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई दिया। तो हल्का एक एनसीईआरटी लुक इसलिए दिखा दिया मैंने कि आपको पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे बुकिश लैंग्वेज में भी क्या देता है। ठीक है, मेरी बात सभी समझे? अब हम इसी के फोर पिलर्स के बारे में डिटेल पढ़ें कि आखिर ये फोर पिलर्स ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या हैं, इनकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो एक आइडिया लगा, अगली क्लास के लिए सभी तैयार रहो। काफी चीजें हमें पढ़नी है जो हमें काफी मदद करेंगी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, जिसको मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इन अ वेरी लेमैन स्टाइल पढ़ाऊंगा, मेरे पीडीएफ और एनसीईआरटी से कंपेयर करते हुए, ताकि आपको कहीं से ये ना लगे कि कुछ चीजें मिस हो गई। ठीक है, अगली बार मैं इसको पिछला रिपीट करते हुए आगे के टॉपिक पर चलूंगा, और पिछला रिपीट करते समय कुछ फैक्ट्स को मैं अंडरलाइन करके आपको जूम करके दिखाऊंगा कि आपके एनसीईआरटी में ये चीजें भी मेंशन है। तो आज के लिए बस करते हैं, काफी चीजें हम लोगों ने सीख ली, अब अगली क्लास के लिए सभी तैयार हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।